अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। डियर स्टूडेंट्स, इस उम्मीद के साथ कि आप लोग बहुत खैर से होंगे, आज का हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें हम एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे, क्लास 9 मैथमेटिक्स बलूचिस्तान टेक्स्ट बुक बोर्ड। इस क्वेश्चन के जितने पार्ट्स हैं वो सब हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। अब इस क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या गया है, पूछा यह गया है कि सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, जो इसके पार्ट्स हैं उनके सबको सिंप्लीफाई करना है, और जो आपका आंसर है उसको ए प्लस बी आयोटा फॉर्म में लिखना है। जस्ट इतना आपने करना है, तो करते हैं। अब इसमें दो तरह के क्वेश्चन है, एक इस तरह के है और दूसरा ये, तो इसी वजह से मैंने आपको समझाने के लिए इनको सेपरेटली लिया है ताकि आपको अच्छे से समझा सकूं। अब सबसे पहले जब हम इसको सॉल्व करने पे आते हैं तो हम देखते हैं कि ये हमारे पास a माइनस बी होल स्क्वायर के इक्वल है। तो हमारे पास एक फॉर्मूला है और फॉर्मूला ये है कि a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब इस पे ये फार्मूला हम अप्लाई करेंगे। जब ये फार्मूला अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे ए क्या है, थ्री स्क्वायर माइनस टू मल्टीप्लाई बाय थ्री मल्टीप्लाई बाय बी क्या है, फाइव आयोटा प्लस बी स्क्वायर जो क्या है, फाइव आयोटा स्क्वायर। अब थ्री स्क्वायर मतलब थ्री मल्टीप्लाई बाय थ्री, तो थ्री मल्टीप्लाई बाय थ्री इज इक्वल टू नाइन माइनस थ्री टू जार सिक्स एंड सिक्स मल्टीप्लाई बाय फाइव, फाइव सिक्स एंड आयोटा प्लस यहां पे फाइव का स्क्वायर अलग से होगा एंड आयोटा स्क्वायर अलग से होगा। एज वी नो कि आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वन, तो अब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। नाइन माइनस थर्टी आयोटा प्लस फाइव मल्टीप्लाई बाय फाइव इज इक्वल टू ट्वेंटी फाइव एंड आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वन। अब 9 माइनस थर्टी आयोटा, ये माइनस यहां पे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस ट्वेंटी फाइव। अब 25 माइनस ट्वेंटी फाइव एंड प्लस 9, ये आपस में क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। 25 से आप निकालोगे 9 तो कितना बचेगा, माइनस 16। क्यों, क्योंकि जो 25 है ये बड़ा नंबर है और इसका जो साइन है वो नेगेटिव है, तो आंसर भी नेगेटिव होगा। एंड देन ये वाला माइनस 30 आयोटा और ये हमारा आंसर। अब ये तो हो गया फार्मूला वाला सिस्टम, इसको तो हमने फार्मूले में करके सॉल्व कर लिया, लेकिन बाकियों का हम क्या करेंगे, अगर इस तरह का क्वेश्चन है तो उसे कैसे सिंप्लीफाई करेंगे वो भी बताती हूँ। पार्ट थ्री का सोल्यूशन, ठीक है। अब हमारे पास ये तो हो गया नंबर, हम इसका क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे इसको, ठीक है। रैशनलाइज इससे पहले वाले क्वेश्चंस में करके आप लोगों को बताया भी है, तो यहां पे फिर से डिफाइन कर लेती हूं। क्या करते हैं, रैशनलाइज में हम जो हमारे पास डिनोमिनेटर है उसका कॉन्जुगेट लेते हैं, कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हैं अपने नंबर्स के साथ। अब जो हमारे पास 2 प्लस 3 आयोटा है, इसका जब हम कॉन्जुगेट लेंगे तो क्या होगा, 2 माइनस 3 आयोटा होगा। तो 2 माइनस 3 आयोटा एंड 2 माइनस 3 आयोटा, इस प्रोसेस को कहते हैं रैशनलाइजेशन, या रैशनलाइज भी आप कह सकते हो, तो जो आप लिखो मसला नहीं है। अब क्या करना है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, इसको वन के साथ मल्टीप्लाई करना है। इन दोनों को आप देखोगे तो आपको एक फार्मूला याद आएगा, क्लास एट का फार्मूला जो है, ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस फॉर्मूले को हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, तो ऊपर वाला वन से मल्टीप्लाई होगा तो वो तो एज इट इज आ जाएगा। ये फार्मूला अप्लाई होगा तो यहाँ पे ए क्या है, टू, टू का स्क्वायर माइनस थ्री आयोटा का स्क्वायर। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, टू माइनस थ्री आयोटा अपॉन टू का स्क्वायर किसके इक्वल है, फोर के, माइनस थ्री का स्क्वायर अलग कर लेते हैं, आयोटा का स्क्वायर अलग कर लेते हैं। आयोटा स्क्वायर एज वी नो, यहाँ पे लिख लेती हूँ स्पेस की कमी की वजह से, अच्छा यहाँ पे लिख लेती हूँ, ठीक है। आपने नीचे लिखना है स्टेप के पास, एज वी नो दैट आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वन, सो इसकी जगह आपने माइनस वन लिख लेना है, टू माइनस थ्री आयोटा अपॉन
फोर माइनस थ्री थ्री जर नाइन एंड यहाँ पे माइनस वन। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, यहाँ पे स्पेस का मसला बन जाता है मेरे लिए हमेशा से। ये वाला स्टेप मैं मिटा रही हूँ, आपने तो वैसे भी कॉपी में इसको सही से उतारना है। अच्छा, यहाँ के बाद का स्टेप मैं यहाँ पे करूँ, ठीक है। अब क्या करना है, टू माइनस थ्री आयोटा अपॉन फोर, ये माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएंगे प्लस नाइन, फोर प्लस नाइन। ओके, अब फर्दर जो स्टेप है वो यहाँ पे लिख लेती हूँ। टू माइनस थ्री आयोटा, अच्छा नाइन प्लस फोर कितना बनेगा, थर्टीन। अब ये थर्टीन इन दोनों का है तो इसको सेपरेट लिख लेते हैं, क्योंकि हमें ए प्लस बी आयोटा फॉर्म में लिखना है। तो ए हमारे पास क्या होगा, टू अपॉन थर्टीन, यहाँ पे नेगेटिव है तो नेगेटिव थ्री अपॉन थर्टीन आयोटा। अच्छा, यहाँ पे आप लोग ये ना सोचे कि भाई उसने कहा ए प्लस बी फॉर्म में लिखना है, ए प्लस बी आयोटा फॉर्म में, तो हम भी ए प्लस बी आयोटा फॉर्म में लिखेंगे। यहाँ पे अगर आपका नेगेटिव आ रहा है तो नेगेटिव फॉर्म में आप लिखोगे, अगर पॉजिटिव आ रहा है तो पॉजिटिव फॉर्म में। ऐसा नहीं कि आप क्वेश्चन को देख रहे तो और जज्बाती हो गए कि नहीं प्लस है तो हम भी प्लस करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अगर यहाँ तक वीडियो देखे तो इसको लाइक जरूर करें। ओके, तो ये पार्ट टू है क्वेश्चन नंबर सिक्स का, ये बिल्कुल वैसे ही हल होगा जिस तरह से मैंने आपको पार्ट वन कराया था। तो सारे स्टेप्स वैसे ही है, जैसे यहाँ पे स्क्वायर रूट टू है तो स्क्वायर रूट टू यहाँ पे ऐसे एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। सिक्स इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पे स्क्वायर रूट टू का भी स्क्वायर है, तो जब हम इनको सेपरेट करेंगे आयोटा स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट टू का स्क्वायर, तो ये इसको कट कर देगा यहाँ पे टू, एंड आयोटा स्क्वायर हमें पता है कि माइनस वन के इक्वल है, तो माइनस माइनस प्लस मल्टीप्लाई होगा माइनस, ये नाइन से माइनस हो जाएगा सेवन, सिक्स यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो सिक्स एंड टू आयोटा, और ये इसका फाइनल एंड फोर पार्ट है। अब यहाँ पे स्क्वायर है तो ए माइनस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला में अप्लाई करेंगे, इसको ओपन करेंगे, सारा कुछ करेंगे, आयोटा स्क्वायर लेंगे, टू का स्क्वायर लेंगे, माइनस लेंगे आयोटा स्क्वायर की जगह, और यहाँ पे फोर माइनस वन कर लेंगे, फाइनल हमारे पास आ जाएगा माइनस थ्री एंड फोर आयोटा, जैसे कि प्रोसेस आप देख रहे हो। अब यहाँ पे आ गए, इसके बाद हम करेंगे रैशनलाइजेशन, क्योंकि ये फार्मूला लगा था, हमने पहले फार्मूला खोलना था एंड फिर रैशनलाइजेशन करना था। रैशनलाइजेशन किया तो ये ऊपर वाला वन से मल्टीप्लाई गया, ये आपस में ये वाला फार्मूला बन गया, मल्टीप्लाई गया थ्री का स्क्वायर, माइनस थ्री का स्क्वायर है तो प्लस हो जाएगा थ्री थ्री जर नाइन, एंड फोर आयोटा का स्क्वायर है, फोर का अलग से स्क्वायर, आयोटा का अलग से स्क्वायर, तो फोर स्क्वायर हमारे पास फोर मल्टीप्लाई बाय फोर सिक्सटीन के इक्वल होगा। आयोटा स्क्वायर हमें पता है, हमने यहाँ पे भी लिखा है कि माइनस वन के इक्वल होगा, तो माइनस वन लगा लेंगे, एंड प्लस माइनस माइनस आपस में प्लस हो जाएंगे, नाइन प्लस सिक्सटीन हमारे पास क्या बन जाएगा। ओके, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं ऊपर वाला पार्ट लिखना भूल गई थी, इसी वजह से मैं भी हैरान हो गई कि ये कुछ मिसिंग है, जिसको मैंने फिक्स किया तो अब सही हो गया। और यहाँ पे हमने क्या किया कि 9 प्लस 16 25 हो गया, 25 दोनों का है तो इसके साथ अलग लिखा, इसके साथ अलग लिखा, ये ए प्लस बी फॉर्म में हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई है और आप इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर करेंगे, और आप जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब भी करेंगे। आप सबसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो में, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, एंड प्लीज़ डियर स्टूडेंट्स सपोर्ट करें मेरे काम को, क्योंकि मैं आप और आप जैसे दूसरे स्टूडेंट्स को हेल्प करना चाहती हूँ, तो प्लीज़ डू सपोर्ट। सी यू सून, अल्लाह हाफिज़।